और देखिए रामचरित मानस को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ में चार्जशीट दाखिल हुई है। जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। मामले में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस भी भेज दिया। तो देखिए रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी के मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ में चार्जशीट दाखिल, 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। जिन धाराओं के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है मामले में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस भी तलब कर दिया है। तो रामचरित मानस से जुड़ा ये मामला और इस पूरे मामले में अब मुश्किलें बढ़ती हुई स्वामी प्रसाद मौर्य की नजर आ रही हैं। मुकदमे दर्ज हुए हैं और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। चार्जशीट दाखिल हुई है और जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ उसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। और फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस भी भेजा था। और आपको ये भी बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था। एक बार फिर से आपको पूरा मामला रिकॉल कराते हैं कि ये मामला कैसे जुड़ा है, किस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है और कैसे कार्रवाई हुई है। देखिए रामचरितमानस में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिसमें दलित और पिछड़ों का अपमान था, महिलाओं का अपमान था, कुछ अंश पर आपत्ति थी। और पूरा मामला आप एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, दलित पिछड़ों का इस्तेमाल हुआ था जो बयान उनकी तरफ से दिया गया उसमें, महिलाओं का अपमान, कुछ अंश पर आपत्ति थी, विवादित अंश हटाए जाएं ये कहा था, तुलसीदास जी ने अपनी खुशी के लिए लिखा। तो ये बयान थे कुछ जो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए गए थे। और इसी पूरे मामले को लेकर अब एक नई चार्जशीट दाखिल हुई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं और जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुए हैं उसमें सजा का प्रावधान है। पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस भी भेजा था और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया उस पूरे बयान के बाद कई धाराओं के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल अपने बयान में किया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिसमें दलितों, पिछड़ों का अपमान और महिलाओं का अपमान शामिल था। प्रयागराज से बड़ी खबर देते हैं। पुलिस रिमांड पर अतीक का वकील खान सौलत हनीफ सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रिमांड पर रहेगा। और आपको बता दें कि रिमांड पर फरार शाइस्ता के बारे में पुलिस पूछताछ कर सकती है। पूछताछ के दौरान शाइस्ता का राज खुल सकता है। उमेश पाल हत्याकांड में वकील खान सौलत हनीफ भी आरोपी है। तो देखिए आज 12 घंटे की पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कस्टडी में है अतीक का वकील और शाइस्ता को लेकर पूछताछ होगी। इस पूछताछ में सबसे बड़ा जो पॉइंट होगा, जोर होगा, वो इसी मुद्दे को लेकर होगा कि शाइस्ता परवीन आखिर कहां है। उस बारे में कुछ सुराग अगर मिल सके तो 12 घंटे की पूछताछ में इस पर खासा फोकस रहेगा। पुलिस की रिमांड पर है वकील खान सौलत हनीफ, अतीक का वकील रह चुका है। सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक रिमांड पर लिया गया, यानी कि 12 घंटे तक पूछताछ चलेगी। फरार शाइस्ता परवीन के बारे में पूछताछ होगी और ऐसी उम्मीद है कि शाइस्ता का राज खुल सकता है। इस पूरे मामले में सौलत हनीफ भी आरोपी है। तो आज 12 घंटे की पूछताछ और क्या इतने दिनों से फरार शाइस्ता परवीन को लेकर कुछ राज उगले जा सकते हैं देखना महत्वपूर्ण रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।